मैं श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है और देखिए इसमें सारे ये छिद्र है कि पर्याप्त ऑक्सीजन जो हम खाद बनाएंगे उसको मिल सके। तो आज हम ग्रीन हरी खाद बनाएंगे, ग्रीन मैन्योर। तो ये काफ़ी ऑक्सीजन मिलने के लिए मैंने इसमें अपने ग्रो बैग में होल कर दिया है। अब इसको हम बेस बनाएंगे। तो ये हमारे पास ये पैरा है, सूखा पैरा, तो हम ये जो चावल का निकलता है तो ये हम डाल देंगे। इसके बाद ये देखिए मैंने जो सरसों की भाजी बोई थी तो भाजी भी हार्वेस्ट कर ली है। इसके बाद फिर उसके पौधे जो निकले ये बहुत अच्छा डीकम्पोस्ट हो जाएगा और हमको अच्छी खाद देगा। और जब हम हरी घास बनाएंगे तो जब हरी घास डीकम्पोज होगी तो इसका जो लिक्विड निकलेगा तो वो लिक्विड रोकेगा, इसी में रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, वही लिक्विड उपयोगी होता है। तो दोस्तों हमने इसको दबा दबा के देखिए भर दिया। अब ये हमने गोबर की खाद, किचन वेस्ट और कुछ बरगद के पास की मिट्टी ली है तो उसका हम लेयर लगा देंगे। ये तीनों चीज मिक्स है, इससे क्या है हमारी जो हरी घास है या जो भी आप सूखी हरी बनाओ तो जल्दी डीकम्पोज होती है। अब मैंने ये देखिए मेरे किचन से निकला, मैंने ये जो दूब लिया है ये ताज़ा जो इस समय गोभी हार्वेस्ट होती है उसके पत्ते हैं, और ये मैंने थोड़ा उसका जो पौधे अपने काटे थे अनार वगैरह के, और ये सब कनैल जो डालियाँ हमने काटी थी थोड़ा धूप लगवा ली है 2 दिन पहले, तो ये सब हम काटे तो इन सब का हम उपयोग लेयर बाई लेयर कर देंगे। इस समय सभी के गार्डन से जो 2-3 बार अपन सब्जियाँ यूज कर लेते हैं वो सब निकलती हैं, गोभी के पत्ते निकलते हैं, जो हम टमाटर के पत्ते या कुछ भी फ्लावर की कटिंग जो भी करते हैं निकलता है, उन सब का हम इस्तेमाल अपने इसमें ग्रीन मैन्योर बनाने में कर सकते हैं। अब हम इसमें मिट्टी की लेयर लगा देंगे, इससे जल्दी ही कंपोस्ट होगी और बढ़िया दाब दाब हम भर देंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा हमारे पास ये राइस खस्क है, इस ये भी बढ़िया डीकम्पोजन होने पर हमको फर्टिलाइजर देता है और हमारी खाद हल्की भी बनेगी ये। तो दोस्तों ये जो हम अपने घर में खाद बना लेते हैं ये बिल्कुल हल्की भुरभुरी होती है, तो हम अपने जो टेरिस वेस्ट से जो हम प्रूनिंग करते हैं पत्तों की, डालियों की या सब्जियों की जो पत्ते निकलते हैं उन सब का हम ग्रीन मैन्योर बना सकते हैं, लेकिन स्वस्थ पत्तियों, स्वस्थ जो पौधों की प्रूनिंग करते हैं उनकी छोटी छोटी डालियों का, जो हमारे पौधों में खर खर पतवार होती है हम उसको गोड़ा करके वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जैसे ये घास वगैरह निकल आती है ये तो फेंक देते नहीं, तो उन सब का हम उपयोग करके एक बहुत अच्छी फर्टिलाइजर अपने पौधे के लिए पा सकते हैं। तो दोस्तों हरी खाद का बहुत महत्व है, ये हरी पत्तियों में नाइट्रोजन बहुत होता है जो हमारे फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। हम केमिकल खाद यूरिया तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो हम इस हरी पत्तियों की खाद को उपयोग करके यूरिया की कमी को पूरी कर सकते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और खरपतवार जल्दी नहीं बनते हैं इसका उपयोग करने पर। और भी बहुत नाइट्रोजन के अलावा इसमें बहुत सारा पोषक तत्व होता है जो हमारे पौधों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हमारे पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और हमको फ्लावर फल बहुत सारा प्रदान करेंगे। और इसमें तो ये हरी खाद जो है जीवाश्म बनाता है हमारी मिट्टी के लिए, उर्वरक शक्ति प्रदान करता है और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, पौधों को बढ़ाने में मदद करता है और जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों अब इसी तरह हम इसको कवर कर देंगे ये, और जब भी हम प्रूनिंग करेंगे तो इसमें लेयर वाई लेयर डालते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे ये अब आपके पास है, जैसे भी पत्ते हरे आते जाएंगे प्रूनिंग के बाद, इसको लेयर वाई इसी तरह लेयर लगाते रहिए
और गुड़ का घोल मैंने बनाया था। ये तो डीकम्पोज है, जिसके पास डीकम्पोजर नहीं है तो गुड़ थोड़ा पानी में मिला के सींच सकता है तो और जल्दी डीकम्पोज होगा। वैसे मैंने खाद बीच बीच में लेयर लगाई है डीकम्पोज होने के लिए। और वैसे ही हरी पत्तियों में जो है ज़्यादा वो गीलापन रहता तो ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम इतना ही पानी दें कि हमारे ये ग्रो बैग से बाहर ना निकले जिसके पोषक तत्व समाप्त ना हो। तो ये और इसको बनाने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, कोई मच्छी माछी मच्छर ना बैठे, कोई मतलब इसमें बैक्टीरिया गलत वाली ना पैदा हो जिससे ये इसमें फंगस ना लगे। और जब भी हमारे प्रूनिंग के बाद पत्ते निकले हम इसमें लेयर बाई लेयर लगाते रहें। तो दोस्तों हरे पत्ते नाइट्रोजन का बहुत सोर्स होते हैं जो हमें यूरिया की कमी को पूरा करते हैं, पौधे की ग्रोथ बढ़ाते हैं और जल ताप का संधारण करते हैं और बढ़िया अच्छी जीवाणुओं की संख्या हमारे मिट्टी में बढ़ाते हैं जिससे हमें अच्छी फसल मिलती है। तो अब इसको हम कवर करके किसी बोरी से या किसी चीज़ से इसको हम कवर कर देंगे तो ये हवा भी लगती रहेगी और इसमें माछी मच्छर ना बैठेंगे। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।